और वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जींद में साथी संगठन द्वारा करवाई जा रही रैली पूरी तरह से गैर राजनीतिक रैली है। रैली ना ही किसी पार्टी की है, ना ही किसी झंडे की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राजीव गांधी महाविद्यालय के सभागार में 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली रैली मेरी आवाज सोनो को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, साथ ही जेजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पिछली बार लोगों को दुष्यंत चौटाला का भूत सवार हुआ था, अब हुडा को। और कांग्रेस आड़े छोटे नेता ना उन्हें जो नहीं मिला इवन उनके यहां भड़का हो गया कदे कांग्रेस मार गया। तो आपने जो मुझे ताकत दी है, जो बनाया है ना उजाला हल्के को कौन जानता था, आज हर आदमी, हर पत्रकार और हर राजनीतिक सोच रखने वाला कहता है ये सारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार उजाड़े क्यों। ये मैंने राजनीति को उजाड़ने के नाम से इस देश में, इस प्रदेश में ये दिखा दिया कि राजनीति ईमानदारी से कोई करेगा तो उजाड़ा उजाड़ा।